नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश भर में जहां अलग अलग राजनीतिक पार्टियों यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं, तो वहीं इस मामले में अब आम आदमी पार्टी भी अब पीछे नहीं रही। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द होने पर गोंडा जिले में आम आदमी पार्टी ने अब सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया और जमकर नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष दिग्गज पांडे ने आरोप लगाया कि सरकार की साजिश के चलते कोर्ट का ऐसा फैसला आया है, लेकिन आम आदमी पार्टी पिछड़ों को हक दिलाकर रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया गया तो उनकी पार्टी प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार ने एक सुनियोजित साजिश करते हुए उन्होंने इस आरक्षण को खत्म करने के लिए, ओबीसी आरक्षण खत्म करने के लिए उन्होंने एक बहुत तरीके से उन्होंने आरक्षण, मतलब वो क्या नाम है, ओबीसी आरक्षण लागू किया। उनको ये पता था कि आरक्षण ये अंतिम में हाईकोर्ट इसको निरस्त करेगी। भाजपा सरकार की एक मंशा झलकती है कि वो आरक्षण देना ही नहीं चाहती है। आम आदमी पार्टी गोंडा इस पर अपना एक आंदोलन, एक अपना राज्यपाल को संबोधित किया हुआ एक ज्ञापन प्रस्तुत करना चाह रही है और ये राज्यपाल को ये इंगित कराना चाह रही है कि आम आदमी पार्टी के इस कुत्सित इरादे को वो खत्म करें। अगर इस पर नियमानुसार कार्रवाई नहीं की गई तो हम एक प्रदेशव्यापी एक धरना का कार्यक्रम हम लोग रखेंगे। ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया है, प्रदर्शन किया है और साथ ही भाजपा पर सीधा आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की मंशा के अनुसार ये फैसला हुआ है, जिस पर वो तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं गोंडा जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप के पास में। इन्हीं से जानते हैं कि क्या है जो ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर जिस तरीके से अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके का आरोप लगा रही हैं और सरकार को, जो प्रदेश सरकार है, उसको कटघरे में खड़ा कर रही हैं, तो क्या कुछ इनका कहना रहेगा और इन्हीं से जानते हैं कि इसमें कहां तक सरकार का क्या भूमिका है पूरे मामले में। सबसे पहले तो आपका एमके न्यूज पर स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद जी। जिस तरीके से अलग अलग पार्टियां अलग अलग दल के लोगों ने नगर निकाय के चुनाव के ओबीसी आरक्षण है उसके मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही, कहां तक मानते हैं कि जो एलिगेशन है वो सही है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी ओबीसी की विरोधी नहीं रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी हमारे ओबीसी से आते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी भी ओबीसी से आते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी ओबीसी से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ओबीसी का विरोध नहीं की है। ये जो छोटे छोटे अपने दल हैं, हमारे विरोधी दल हैं, उनको मुंह की खानी पड़ी है इन 14 से लेकर के अभी तक जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में मुंह की खाए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, ओबीसी को बरगला रहे हैं। किसी तरीके से ओबीसी रूट जाए तो हमारी कुछ फायदे हो जाए। उन्होंने ये कहा कि जो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने कहा कि अगर त्रिस्तरीय पैटर्न पर अगर आप चुनाव कराते हैं तो उसमें ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा, जैसा ही एज इट इज रहेगा, और अगर आप त्रिस्तरीय पैटर्न पर नहीं कराते हैं तो आपको वो सीटें जो ओबीसी की हैं, आरक्षित हैं, उसको सामान्य कराते हुए चुनाव कराइए। इस पर आपका क्या कहना? ऐसा कुछ नहीं है, जो भी सरकार ने हमारे आरक्षण किए थे वो ओबीसी को दिया गया था। कुछ त्रुटियां हो गई थी जिसको लेकर के लोग कोर्ट चले गए। अगर ऐसा होता है, हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, कल डिसीजन है उसका, अगर कल डिसीजन आ जाता है तो हमने तय कर रखा है कि ओबीसी का आयोग सरकार ने हमारे बना दिया है। ओबीसी आयोग के बाद अगर हमको सुप्रीम कोर्ट मौका देती है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारी सरकार ओबीसी को पूरा आरक्षण दे करके तभी चुनाव कराएगी। साथ ही एक जो बहुत बड़ा आरोप निकल कर आ रहा है खासकर राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, वो ये है कि जो पिछड़ा आयोग के द्वारा जो सीटें चयन होनी चाहिए सरकार ने उसे पूरा न करते हुए कोर्ट गई, जिसके चलते ऐसा फैसला आया है। इस पर आपका क्या कुछ? कुछ त्रुटियां हुई थी उसको लेकर के लोग गए हैं, सारी गड़बड़ियां नहीं हुई थी, कुछ जगहों पे ऐसा हुआ था, वो उन कमियों को दूर करना है, उसी के लिए आयोग बन करके तैयार किया गया है और आयोग का फैसला सबको मान्य होगा।
इस तरीके से प्रदेश भर में आंदोलन और प्रदर्शन किया जा रहा है कि जो भाजपा है वो ओबीसी आरक्षण के विरोध में है, इस पर आपका क्या राय है? मैंने भी पहले भी आपसे बताया कि 14 से लेकर के चाहे 14 हो, चाहे 17 हो, चाहे 19 हो, चाहे 22 हो, 22 में इन लोगों को कोई रास्ता मिला नहीं सरकार में आने का, इसलिए ये ओबीसी को बरगला करके सत्ता पाने के लिए अपना सब कुछ हथकंडा अपना रहे हैं और इनको सत्ता मिलने वाला नहीं है। 24 में हमारे केंद्र की दोबारा सरकार फिर बनने जा रही, प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 24 में हमारे केंद्र की सरकार बनने जा रही है। तो ये थे जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप, जिनका साफ तौर से कहना था कि उनके जितने भी बड़े नेता हों, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों या फिर जो है केशव प्रसाद मौर्य जी हों, तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ऐसे में ओबीसी के जो है विरोधी होना या उनके विरुद्ध जाना ये दूर दूर तक संभव नहीं है। इसके साथ में उन्होंने ये भी आरोप लगाया खासकर विपक्षी दलों पर कि उनका ये कहना है कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये महज बरगलाने के लिए, भ्रमित करने के लिए, ओबीसी को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, बल्कि उनकी सरकार 2024 में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ वापस आने वाली है। अब देखना यह होगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट मामला गया है वहां पर किस तरीके से क्या फैसला निकल कर आता है, यह आने वाला समय बताएगा। एमके न्यूज चैनल के लिए गोंडा से तुफैल खान।